बच्चों, आज हम इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे हमने आंसर तो लिखा है, लेकिन अंडरलाइन जो वर्ड है उसके रिलेटेड हमें वहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है, इसमें अंडरलाइन वर्ड को देके हमें उसके रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पे जैसे बताया है, सम बॉडी हैज़ टर्न ऑफ द टीवी, यानी किसी ने टीवी ऑफ कर दिया। तो हम इसको, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हु, क्योंकि सम बॉडी की जगह हम लिखेंगे हु, हु हैज टर्न ऑफ द टीवी। ऐसे ही सेकंड है, वी नॉर्मली गेट अप एट 5 AM, यानी मैं नॉर्मली 5 AM पे उठता हूँ। तो हमें 5 AM जो है अंडरलाइन वर्ड है, तो इसी के रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। हम लिखेंगे व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। ऐसे ही थर्ड है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, यानी कि यहाँ पे 100 जो है ये अंडरलाइन वर्ड है, तो इसी के रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाना है कि वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे देयर आर, मीन्स देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ फोर्थ सेंटेंस में बताया है, द बॉयज वेयर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे इसको what were the boys doing, लड़के क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आ गया लड़के फुटबॉल खेल रही हैं। ऐसे ही फिफ्थ है, द बैगर इज आस्किंग फॉर मनी, भिखारी पैसे मांग रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे what is the beggar asking for, यानी कि भिखारी क्या मांग रहा है, भिखारी पैसे मांग रहा है। अब सिक्स सेंटेंस है, माई स्कूल इज ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ, यहाँ 1 किलोमीटर दिखाया है, यानी कि मेरा घर 1 किलोमीटर स्कूल से दूर है। तो हम इसको, मेरा जो स्कूल है 1 किलोमीटर मेरे घर से दूर है, तो हम इसको लिखेंगे हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। सेवन्थ में है, हर मदर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लिखेंगे, डॉक्टर से रिलेटेड लिखेंगे व्हाट इज हर मदर, उसकी माँ क्या है। आई एम बाइंग नॉवल्स फॉर माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के लिए नॉवल्स खरीद रहा हूँ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, व्हाट आर यू buying for your sister? We go every summer to some hill station, में हर बार यानी हर समर में कहाँ जाता हूँ, हिल स्टेशन पे जाता हूँ। तो हम इसको लिखेंगे when do
यू गो टू हिल स्टेशन। कब जाता है ये हिल स्टेशन, कब जाता है? एवरी समर। शी गोज टू हर ऑफिस बाय हर कार, वो अपने ऑफिस कार के थ्रू जाती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हाउ डज शी गो टू हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस कैसे जाती है? कार के थ्रू। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।